खुशी पर आज हम पहुंचे हैं भैया जो भोजपुरी इंडस्ट्रीज की मॉडल है नेहा, उनका बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं 19 साल की होगा, ये देर ना हो जाए इसलिए 20 साल की हो जाएगी। चलिए कुछ पूछ लेते हैं और सेलिब्रेशन कैसा रहा वो भी पूछ लेते हैं, और साथ ही 2022 में क्या कुछ करने वाली हैं, ख्वाहिशें क्या क्या है वो सभी पूछ लेते हैं। नेहा आपका स्वागत है, हैप्पी बर्थडे दोनों चैनल की ओर से, बताएं कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। आज आप 19 साल की हो गई है, कैसा महसूस हो रहा है 19 साल की होकर? बहुत खुशी हो रहा है, इसके लिए तो आप पूछिए ही मत, पहले तो सबको नमस्कार करूंगी। और आज बहुत खुशी हो रहा है कि मेरा बर्थडे पटना में मन रहा है और बहुत लोगों के साथ मन रहा है, बहुत हमको खुशी हो रहा है, इसके लिए तो हम कुछ बोल नहीं सकती, जितना ही बोलूंगी उतना ही कम रहेगा। इस बर्थडे का जो सेलिब्रेशन किया जा रहा है क्रेडिट किसे देना चाहिए? पापा मम्मी को। जी जी, क्या क्या ख्वाहिशें हैं आपके, क्योंकि 19 साल होने के बाद लड़कियां जो हैं बहुत सारी ख्वाहिशें पालती हैं अपने मन में दिल में भी, इंडस्ट्रीज में आप कितना अच्छा महसूस करिए, साल 2022 में क्या ख्वाहिशें हैं आपकी? ख्वाहिश तो है पर अभी बोल नहीं सकती, अभी बोल नहीं सकती। आज बर्थडे सेलिब्रेट है, कितने आपके फैंस हैं, दोस्त हैं जो यहाँ पे इनवाइट हुए हैं, क्या क्या आपको गिफ्ट मिला है उसकी भी हमारी फैंस को? बहुत सारा गिफ्ट है, ये सब तो देख ही रहे हैं आप लोग, और कुछ भी है जो उधर है, और बहुत अब मजा आ रहा है सबके साथ मिल के इंजॉय पार्टी हम लोग कर रहे हैं। और ये आज दोनों सर है जो हम लोग मतलब हमें बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, इन लोग के लिए तो कुछ बोल ही नहीं सकते। आपके लाइफ में वीडियो डायरेक्टर पंकज जी का और अरमान जी का कितना सहयोग रहता है? बहुत बहुत ज़्यादा, जितना ही हम कहेंगे उतना ही कम रहेगा। अगर बात कर ले 2022 की तो बहुत सारी चीज़ें हो रही है, होली की भी तैयारियाँ बहुत जल्द हो रही है, तो इस होली में आप क्या करने वाली हैं? इस होली में तो बहुत कुछ करने वाले हैं, बस आप लोग का आशीर्वाद और प्यार रहेगा तो बहुत कुछ होगा। आज पार्टी भी तैयारियाँ हैं, डांस वांस भी होगा? हाँ सब कुछ होगा, और बस आप लोग जुड़े रहिए और देखते रहिए। आपने किया डांस? हाँ बहुत सारा किया हमने डांस, बहुत वाले भी है। अभी करने वाली भी है और बहुत ज़्यादा किए, क्योंकि बहुत खुशी मिला है, पहला मेरा बर्थडे इतना अच्छा से मना, क्योंकि पहले मनाते थे तो दोस्तों के साथ मनाते थे, मतलब इतना सारा मतलब नहीं कर पाते थे, क्योंकि 5 बहन है ना हम लोग, तो सबसे बड़े हम ही हैं, तो और भी 4 लोग हैं तो छोटे को मिल के प्यार देते हैं हम लोग। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा भैया, क्योंकि आप जिस तरह से इस पार्टी को ऑर्गेनाइज़ करे हैं, इतने सारे लोगों का यहाँ पर जमावड़ा लगा है, कितना अच्छा महसूस हो रहा है वैसे कलाकारों का बर्थडे सेलिब्रेट करके जो इंडस्ट्रीज़ में नई नई हैं और बहुत सारी ख्वाहिशें लेकर आई हैं? एक न्यू आर्टिस्ट के लिए ना ये नया फील्ड, जो अपना पटना का फील्ड है, ये भोजपुरी का फील्ड है, वो बहुत नए तरीके से होता है, तो वो बहुत ज़्यादा जान नहीं पाती है, इंडस्ट्री को बहुत अच्छे से पहचान नहीं पाती, तो इसने मेरे को याद किया कि सर मुझे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना है, तो हम लोगों ने एक छोटा सा गेट टुगेदर जस्ट लाइक बोलते हैं कि जैसे अपने सारे लोग मित्र हैं, अपने जो फील्ड के लोग हैं आपस में मिले और मिल के एक इंजॉय करते, तो हम लोग बस इसी में लेके चल रहे हैं कि एक गेट टुगेदर पार्टी हो और सारे लोग अपने जितने लोग हैं जो भोजपुरी को बिलोंग करते हैं, काम को बिलोंग करते हैं, वर्क को बिलोंग करते हैं, वो लोग आएँ और इंजॉय करें, बस एक पार्टी इसी चीज़ का है। कितना इंस्पायर करती है नेहा आपको जो आपने इनके लिए हर कदम साथ दिया है और ऐसी पार्टी भी ऑर्गेनाइज करी है? बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट में टैलेंट बहुत है, मेरी चांस है 2022 जो है वो लास्ट तक इंड तक एक अच्छे मुकाम पे रहे, माता रानी की कृपा है और दुआ है कि बहुत मतलब विद इन 3 मंथ्स बहुत अच्छा काम कर रही है, अच्छे प्रोजेक्ट में आ रही है, विद इन 6 मंथ या इस साल के लास्ट तक मे भी चांस है माता रानी की कृपा से एक अच्छे प्रोजेक्ट पर और अच्छे लाइनअप में रहेगी। जी जी, हमारे साथ नेहा के पापा भी हैं यहाँ पे, इनसे भी जानेंगे क्योंकि बेटी काफ़ी होनहार हो गई है और साथ ही 19 साल की हो गई है, कैसा महसूस हो रहा है बेटी भोजपुरी इंडस्ट्रीज में है, अच्छे काम कर रही है और काम का जो तारीफ है फैंस भर भर के दे रहे हैं? बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा लग रहा, बहुत इतना प्यार मिला आप सब लोगों का, बहुत अच्छा लग रहा, बहुत बढ़िया लग रहा, हम चाहते हैं ऐसा मिले, ऐसा भोजपुरी को आगे बढ़ाती जाए। सोचा था कभी आपने कि आपकी बेटियां इंडस्ट्रीज में आएंगी, काम करेगी, नाम कमाएंगी? नहीं नहीं, ऐसा तो कभी नहीं सोचे थे, लेकिन इन लोगों का जब बाद में टैलेंट देखे तो हम सोचे कि हाँ जरूर कुछ ना कुछ मंजिल मिलेगा, आगे बढ़ेंगी सब। कितना दोनों पे गर्व महसूस होता है कि आज इंडस्ट्रीज में रह के काम कर रही हैं, नाम कमा रही हैं, हाल ही में 100 मिलियन का सेलिब्रेशन भी करा इन लोगों ने अपने गाने का, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा, बहुत बढ़िया लग रहा हमको, बहुत अच्छा फील हो रहा है। हाँ क्योंकि अभी एक का बच्चा ना, ये दोनों बच्चे हैं हमारे, हैं एठो मुस्कान एठो नेहा दोनों, इसलिए हमारा सपोर्ट है, दोनों हम दोनों का सपोर्ट है कि ताकि हमारे बच्चे खूब और आगे बढ़ें। जी जी, और ज़्यादा प्यार जो है पाएँ।